तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के मज़े उठाने हैं ना, तो आपको पिछली कहानी का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार जो बात है ना, वो इतनी सी है कि आज हम दिखाएंगे नए लखनऊ को, पर मियाँ इससे पहले ज़रा पुराने लखनऊ पर भी तो गौर फरमा के आइए। तो अब मैं आपको जोड़ता हूँ पिछली कहानी से, तो ठीक है ना? फिर 3, 2, 1। तो लखनऊ सिर्फ चौक की गलियों में और नक्काश की बाजारों में नहीं बसता है, टुंडे के कबाब में और लोगों के आदाब में नहीं बसता है, अमीनाबाद की चहल पहल और फिरंगी महल की शान में नहीं बसता है। तो लखनऊ जितना पुराना है उतना ही नया भी है, और इस नज़रिए से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो आज नया दिन है, नए कपड़े हैं, वैसे बताना तो नहीं चाहिए पर अब तो बता दिया। तो नए लखनऊ की नई वीडियो है, सब कुछ नया है, पर दोस्त वही पुराने हैं जिनको आज भी लेने जाना पड़ता है। तो हर बार की तरह पहले जाएंगे ऋषभ भाई के घर और फिर हम जाएंगे हज़रतगंज। पर आज ज़रा क्या करते हैं ना कि ऋषभ को बुलवा लेते हैं। हेलो, अरे कहाँ भैया, आओगे, लेट हो रहा है। अबे तुम आओ, तुम आ रहे थे ना। अरे यार आओ। अच्छा, और सुनो यार, दो समोसे पकड़ लेना। अच्छा चलो ठीक है, ले आएंगे। अरे यार अच्छा रहे तो भाई जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। अरे हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। तो बात अगर नए लखनऊ की आई है, तो नए लखनऊ में जो सबसे नया है वो है लखनऊ मेट्रो। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं। भाई एक बात बताऊं यार, एक दिन में इतना लखनऊ कभी नहीं घुमा जितना आज अभिषेक भाई ने घुमा दिया। वहाँ भैया कहाँ हो यार, इधर आओगे? अरे यार आ गए भैया। और कहीं चलोगे कि यहीं बैठे रहोगे? अरे यार चलते हैं गोमती नगर चलते हैं, क्योंकि देखो लखनऊ आए और गोमती नगर ना टहले, क्या खाक लखनऊ है। मेरी बात सही है यार, अगर गोमती नगर जाएंगे तो भाई पराग जरूर चलेंगे यार, वहाँ का दूध बहुत बढ़िया होता है यार। यार थोड़ा दिल की बात छीन लिए, पराग चलते हैं फिर। ठीक है पराग, फिर शूटिंग वूटिंग और क्या। तो यार हम खड़े हैं 1090 पे, और धूप तो यार, वैसे तो धूप का बहुत ज़्यादा ही जिक्र हो रहा है यहाँ पे, हो रही है क्योंकि भाई क्योंकि हो रही है यार। हाँ, और वैसे जो इसका मसला है ना, तो ऋषभ भाई इसका मसला समझाएंगे आपको। इसका मसला बस ये है कि यार ये लखनऊ है और यहाँ पे ना अमूल से ज़्यादा पराग चलता है। अरे यार गर्मी इतनी हो रही थी ना यार कि मैंने शर्ट पहन ली है, और थकान इतनी हो रही है कि ऋषभ भाई चुपचाप बैठे हैं अभी। लेकिन जहाँ जा रहे हैं ना वो देख लो भाई। हाँ जहाँ जा रहे हैं ना भाई वो इम्पोर्टेंट है, बड़ी दूर आ गए यार इसके लिए। देखो यार ये बाइक वाला निकल जाए, फिर आपको हम इसका महत्व बताएंगे, मतलब इसका जो मूल्य महत्व है हम नहीं बताएंगे, ऋषभ भाई बताएंगे। यार देखो मैंने कहीं पढ़ा था कि लखनऊ के शास्त्रों में लिख दिया गया कि आप प्लाजियो नहीं आए हो ना तो आप लखनऊ वाले नहीं माने जाओगे, तो इस वजह से यार
हम लोग यार चलो जाने देते हैं यार शास्त्र वास्त्र थोड़ा बहुत, लेकिन फिर यार अभिषेक भाई का फोन आएगा, वीडियो बनाना है। ठीक है फिर वीडियो चलना ही नहीं, पड़ेगा नहीं वीडियो में। और ये प्लासियो प्लासियो क्या है, बहुत मुश्किल से वर्ड है, प्लासियो प्लासियो ओके। भाई यार जो बात है मज़ा तो बहुत आ रहा है ना, आ ही रहा होगा यार। ऋषभ भाई से पूछते हैं मज़ा आ रहा है कि नहीं। मज़ा तो बहुत आ रहा है यार, उसके साथ धूप भी बहुत आ रहा है। ठीक है तो अब घर चलें यार। यार घर चलते हैं अब। अरे एक मिनट यार, एक जगह रह भी गई भाई ना? मुझे याद तो यार एक चीज़ रह गई है। हाँ। पर वो तो रास्ते ही पड़ता है ना, ले लेंगे। ठीक है रास्ते में ले लेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश बड़े से लखनऊ को दिखाने की। और लखनऊ में ऐसी बहुत सी जगह हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं दिखाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं दिखा ही सकता था, पर वो क्या है ना कि यार एक वीडियो में लखनऊ की खूबसूरती और सादगी जाहिर ही नहीं हो सकती है। तो वैसे कहने को तो हज़ारों शहर हैं, लेकिन हमारा शहर कुछ ख़ास है। बाकी अगर आप यहाँ नहीं आए तो आइए और लुफ्त उठाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि मियाँ ऐसे ही नहीं कहा गया है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अरे हाँ भाई एक बात और कि दिन भर चाहे जितना घूम लो, टहल लो, काम कर लो, मज़े कर लो, लेकिन रात को ना भाई अपना घर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि सुकून तो यार यहीं है। तो ठीक है भाई अब हम जाते हैं सोने, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। पीस आउट। अरे शूटिंग चल रही भाई, तो कैमरा है रे। हीरो कौन? हीरो पता, हीरोइन, हीरो को छोड़ो हीरोइन कहाँ है? ब्रांजा हीरोइन। <laughs>